मेरे चैनल पे काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि दीदी मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ या बनना चाहती हूँ मगर मेरे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं, तो क्या करें। इस चीज़ के लिए आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी थोड़ी सी एडवाइस। मैं हूँ स्नेहल प्रधान, फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर और आपकी ऑनलाइन क्रिकेट कोच। और आपके पेरेंट्स सपोर्ट करें या ना करें, आपको इस चैनल पे फ्री कोचिंग, क्रिकेट कोचिंग हमेशा मिलती रहेगी, तो सब्सक्राइब करके घंटी बटन जरूर दबाना। तो तीन टॉपिक्स है इसमें, और पहला है पढ़ाई। ज़्यादातर पेरेंट्स कहते हैं कि क्रिकेट खेलोगे तो पढ़ाई नहीं होगी, एंड फेयर इनफ, थोड़ा वरिड होना नॉर्मल है, पेरेंट्स है फाइनली आपके, पर कौन कहता है कि पढ़ाई और क्रिकेट दोनों एक साथ नहीं हो सकती हैं। मैं अपनी कहानी आपको बताती हूँ। ये है मेरा 10th का मार्कशीट, ये है मेरा 12th का मार्कशीट और ये है मेरा BSc का मार्कशीट। 10th में मेरे थे 88%, 12th में 90% और BSc में फर्स्ट क्लास। और इसके साथ साथ मैं अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही थी और आगे जाके मैंने इंडिया के लिए क्रिकेट खेला। आई थिंक हर साल में लास्ट 3 महीने सिर्फ मैंने क्रिकेट खेलना बंद किया, बाकी पूरा साल मैंने पढ़ाई और क्रिकेट दोनों बैलेंस किए। और अगर आप ये कर सकते हो तो आपके पेरेंट्स आपको क्रिकेट खेलने से नहीं रोकोगे, पर ये कैसे होगा, प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। मैं अपना फ्री टाइम क्रिकेट खेलने में देती थी, पढ़ाई पे कॉम्प्रोमाइज़ पे मैंने नहीं किया, तो वो पढ़ाई का टाइम पढ़ाई के लिए था, बाकी चीज़ों को मैंने कट आउट किया, जैसे फ्रेंड्स के साथ घूमना, टाइम पास करना, टीवी देखना, काफ़ी हद तक मैंने इन चीज़ों को कट आउट किया, तब जाके मैं क्रिकेट और पढ़ाई दोनों बैलेंस कर पाई। और इसलिए मुझे हमेशा घर से क्रिकेट खेलने के लिए सपोर्ट मिला है और आपको भी मिल सकता है। अब दूसरी चीज, पेरेंट्स कहते हैं कि क्रिकेट में फ्यूचर नहीं है। अगर ये किसी से ही भी आपने सुना है तो लाइक बटन दबा के मुझे बताओ। हर पेरेंट की वरी है और हर पेरेंट एक अच्छा ही चाहता है अपने बच्चे के लिए, उस हिसाब से वो वरी करते हैं कि इसमें से आपका गुजारा कैसे होगा। तो ये थोड़ा सॉल्व करने के लिए दो स्टेप्स है, एक है रिसर्च और दूसरा है कम्युनिकेशन। रिसर्च में फर्स्ट स्टेप है, पहले खुद को जानो, आपका टैलेंट आइडेंटिफाई करो, आपके कोचेस के साथ बात करो और 2-3 कोचेस के साथ बात करो कि आप में एक्चुअली ऑनेस्टली कितना टैलेंट है और क्या आप क्रिकेट में करियर बना सकते हो। आप चाहो तो मुझसे भी वीडियो एनालिसिस ले सकते हो, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगी मेरी राय क्या है और आप कहाँ हो और आपको कहाँ जाना है, ये आप पहले समझ लीजिए। फिर समझो कि वो टैलेंट आपको कहाँ ले जा सकता है। इंडिया और IPL ही खेलना ज़रूरी नहीं है, आप स्टेट के लिए खेल के भी पैसे कमा सकते हो। स्टेट के लिए क्रिकेट छोड़ो, आप टेनिस बॉल क्रिकेट खेल के भी पैसे कमा सकते हो, कॉर्पोरेट टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करके पैसे कमा सकते हो, इवन इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट जीतने के बाद कुछ कुछ गवर्नमेंट जॉब्स आपको मिलते हैं और उस हिसाब से आप पैसे कमा सकते हो। तो क्या क्या ऑप्शंस हैं, रिसर्च करो, गूगल करो, सीनियर प्लेयर्स के साथ बातें करो, कोचेस के साथ बातें करो। आप समझो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको पेरेंट्स को समझाना है। पेरेंट्स चाहते हैं कि आप एक नॉर्मल जॉब करें और आप चाहते हो कि आप एक बिजनेस करें और क्रिकेट आपका बिजनेस है, तो आपको एक बिजनेस प्लान बनाना है। फिर आता है दूसरा पार्ट, आपके पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स आर वरीड and they're normally concerned. And I think that's what everyone goes through, and you're going through in the 90s and you go through in 2020 and so on and so forth. And I think the more you can communicate with them, it solves the problem. Because at the end of the day, if they feel you're in control of a situation, yes, there's a people who want to drag you in a particular direction. Of course, my parents wanted me to do my chartered accountancy. I was hell-bent on not doing it. But I think the conversations that I had with them constantly during this process of them being worried, I think help. पेरेंट्स को कन्विंस करना है तो इस रिसर्च को आपके पेरेंट्स के सामने अच्छे से प्रेजेंट करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा। याद रखना कि आपके पेरेंट्स आपका भला ही चाहते हैं, तो प्यार से समझाओ। कुछ वक्त लग जाएगा, कुछ महीने लग जाएंगे, शायद एक साल लग जाएगा, मगर आपके पास अगर पूरा प्लान है कि आपको कितना देर पे कौन से लेवल पे पहुंचना है और वहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, तो आई एम श्योर आपका प्रॉब्लम थोड़ा बहुत सॉल्व हो जाएगा।
अब तीसरी चीज़ ये है, काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि दीदी पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं क्योंकि हम फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हैं, और ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, कभी कभी एक्सेप्ट करना पड़ता है, ये हमारे देश में एक रियलिटी है। पर यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पैशन। अगर वो पैशन आप में है तो ये प्रॉब्लम थोड़ा बहुत कम हो सकता है। जैसे इंडिया प्लेयर जेमिमा रॉड्रिग्स, उनके पापा का इंटरव्यू किया था मैंने, तो अपने क्रिकेट के लिए उन्होंने खुद पैसे कमाए। When I was doing my engineering at a certain point, then I had to decide whether it was my engineering or my play. Okay. Now for my play, you will not believe, my parents did not give me even a single paise for me to play. Okay. I had a Muslim friend of mine called Shafi. He gave me his shoes. He gave me his pads. Okay. Gloves, I think I purchased. He gave me his bat. Okay. So, and he took me to his academy to play. Okay, so that is how I started playing cricket, season cricket. Okay, tennis cricket I used to play only. Okay, that is how season cricket started. But to do this, what I used to do is, I used to attend my engineering college, come back home at 7 o'clock, take tuitions and make up money for my play. So where there is a will, there is a way again. There is a way. तो ऐसे जब आप रिसर्च करोगे तो इस पे फोकस करो, स्कॉलरशिप्स पे, क्या आप साइड बाय साइड पैसे कमा सकते हो। अगर लेदर बॉल के लिए आपके पास किट के लिए पैसे नहीं है तो टेनिस बॉल में अपॉर्चुनिटीज ढूंढो। मगर ये सब करने के बाद भी हो सकता है कि क्रिकेट खेलना आपके लिए पॉसिबल ना हो, तो निराश मत होना। क्रिकेट से जुड़े रहने के लिए और भी तरीके हैं। आप अंपायर बन सकते हो, स्कोरर बन सकते हो, वीडियो एनालिसिस बन सकते हो, आप यूट्यूब वीडियोस बना सकते हो। याद रखना कि अगर आपका पैशन है तो क्रिकेट आपकी लाइफ में ज़रूर रहेगा। जमीमा के पापा का एग्जाम्पल देखो, वो खुद क्रिकेट नहीं खेल पाए, घर से उस समय सपोर्ट नहीं था, फाइनेंशियल चीज़ों पर ध्यान देना था, मगर घूम फिर के क्रिकेट उनकी ज़िंदगी में आ ही गया। ऐसे ही अगर आपका पैशन है तो कहीं ना कहीं क्रिकेट आपसे कनेक्शन चालू रखेगा, और जब आप कर सकोगे तब आप उस पैशन को फॉलो करोगे। पहले इंडिपेंडेंट बनो, अपने खुद के पैरों पे खड़े रहो, और फिर आप क्रिकेट के आसमान तक छलांग लगा पाओगे। आई होप ये वीडियो पसंद आया। आई होप इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ी मदद मिलेगी, थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी, और आई होप फॉर अ वर्ल्ड जहाँ पे हम सब क्रिकेट के सपने हमारे पूरे कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बी पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग, एंजॉय योर क्रिकेट।